हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर दिया ज्ञापन। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष मंशाराम परमार के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी गिरीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष मंशाराम परमार के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को भाजपा प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार भारी मात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया, जिसमें कानून व्यवस्था, किसानों के कर्ज माफी में वादा खिलाफी, युवाओं को रोजगार देने वाली भर्तियां लंबित, महिला उत्पीड़न, बिजली बिलों में बढ़ोतरी व बजरी व खनन माफियों के आतंक सहित आदि विषयों को लेकर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर को कांग्रेस सरकार की विफलताओं की जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मंशाराम परमार, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र बोरा, नगर परिषद अध्यक्ष रेखा राकेश भाटी, उप जिला प्रमुख जगदीश चौधरी, सुनील भंडारी, नरपत सिंह राजपुरोहित, ललित प्रीत मानी, दिग्विजय सिंह, त्रिलोक राम चौधरी, मूल सिंह भाटी, नरपत दवे, मुकेश नाहर, पुकराज बंजारा, गणपत मेघवाल, जगदीश परिहार, विकास बुबकिया, कुलदीप बग्गा, रितेश अग्रवाल, राकेश पवार सहित जिला परिषद व पालिका के सदस्य व आम कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।